तो गाइस ये हूँ मैं जो कि बैंक चलाता है इस सर्वर में एंड मैनेज करता है 100 मिलियन डॉलर्स वो भी सारे एसएमपी मेंबर्स के। लेकिन एक दिन क्या होता है, मिस्टीरियसली ग्रुप ऑफ हैकर्स इस सर्वर को ज्वाइन करते हैं एंड सारा का सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये सब कब हुआ एंड कैसे हुआ मेरे को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो गाइस इससे पहले मेरे पास एक बैड न्यूज है, यूट्यूब ने जो है गाइस जो नई सब्सक्राइब की एनिमेशन है वो रिमूव कर दिया। तो गाइस एक बार आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चेक करके देखो कि आपके लिए वो नई एनिमेशन शो हो रही है नहीं। एंड ऑल्सो गाइस इस वीडियो में कोई भी लाइक एम नहीं है क्योंकि मैं जो है आपका लाइक चाहता हूँ एंड एक लाइक जो है क्रिएटर को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। ओके भाई ये भी हो गया और यहाँ कोबलस्टोन जनरेट हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। चलो आज का काम तो हो गया। अरे भाई इतने सारे नेम टैग्स, भाई क्या चल रहा है? वीसी 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 क्या हो गया भाई? एक्सीडेंट चलते हैं वीसी भाई, क्या हो गया? हेलो हेलो, अरे हेलो हेलो भाई, बाहर आओ जल्दी से जरा भाई, क्या हो गया? बाहर आ गया भाई, क्या हो गया भाई, क्या हुआ? अरे पैसे गए भाई, हमने स्लैश बैलेंस किया, हमारा पैसा नहीं है भाई, कहाँ गए सारे पैसे? अरे एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मेरे को बताने दो पूरी बात। भाई पैसे तुम लोग के पास ही होने चाहिए। एफएम भाई क्या हो गया? अरे बाकी भाई एंड मेरे को अभी पता चला कि एसएमपी में एक हैकर्स का ग्रुप आ गया है एंड उन्होंने क्या करा, सारे मतलब जितने भी मेंबर्स हैं सबका बैलेंस मतलब अपने पास रख लिया है, 100 मिलियन समथिंग। अरे भाई हाँ, बैंक के अंदर 100 मिलियन डिपॉजिट थे, तुम सबके थे वो, मेरे और तुम सबके पैसे थे, सब हैकर्स के पास आ गए। वो सब छोड़ो, सुनो हमने हैकर्स आए उसका हमको कोई रिलेशन नहीं, हमने भाई बैंक में दिए थे पैसे, हमसे बैंक से वापस चाहिए भाई। बैंक से पैसे यार मैं क्या करूँ, मेरे को क्या पता, मैं तो संभाल रहा हूँ तुम लोगों के पैसे, मैं ऐसे गायब हो जाएंगे पैसे, मेरे को थोड़ा पता था। अरे भाई मत करो ओ माय गॉड भाई, सब मार क्यों रहे भाई मेरे को यार, मेरी तो गलती थोड़ी ना है, हैकर्स ने चोरी करे भाई पैसे, हमने तो नहीं जानते। अरे रुक जाओ, रुक जाओ भाई रुको, मारो मत यार, मारो, एक सेकंड रुको, बोलो हम आपको 24 घंटे का टाइम देते, अगर 24 घंटे में हम सबके पैसे अगर वापस आप नहीं दे पाए तो आपको पता है कि ये एक हेडशील एसएमपी है और हम आपको इजीली बैन कर सकते हैं। ओके 24 आवर्स बहुत कम टाइम है यार, सब हम नहीं जानते, देखो बल्कि भाई हम नहीं जानते, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अरे यार ठीक है गाइस, ठीक है मैं जाता हूं यार, मेरे को यहां से भी निकाल लो तुम लोग भाई, मैंने इतनी सेवा करी है यहां पे बैंक की यार, ऐसे सब निकाल लो मेरे को मिलके, ठीक है कोई नहीं, तुम लोग के पैसे लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। मेरा और मेरे सिटीजंस का जो है बैलेंस जीरो हो चुका है, कुछ भी करके 24 आवर्स में मेरे को उनके फंड्स वापस करने पड़ेंगे वरना मैं बैन हो जाऊंगा इस हेडशील सर्वर से। ओ माय गॉड भाई अब क्या ही करूं, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। तो कुछ देर तक मैं ऐसे ही सर्वर में घूम रहा था एंड तभी मेरे को याद आता है कि एफएम ने जो है हमें आके बताया था हैकर्स के बारे में, तो मैं उसके पास जाता हूं एंड उससे कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं हैकर्स के। चलो गाइस मेरे को कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं उनके हेडक्वार्टर्स के, तो चलते हैं उन हैकर्स के हेडक्वार्टर्स पे। ओके एफएम के दिए गए कोऑर्डिनेट्स उधर है, अभी भी 100-200 ब्लॉक तो रहते ही हैं, उधर चलते। ओ मेरे को बिल्डिंग दिख रही है, बहुत सब ये वही बिल्डिंग है क्या? आई थिंक सो वही बिल्डिंग है भाई, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे था वो, आई थिंक सो हां ये पास के कोऑर्डिनेट्स है, काम करते थोड़ा सा वहां जाते हैं। ओके चलो 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 चलो, और कोई और के हैं लोग तो हैं सर्वर में, थोड़ा मेरे को आराम से जाना पड़ेगा, थोड़ा चल के जाता हूँ, वेंडर पल्स का यूज नहीं करूंगा, कोई आसपास तो नहीं, काम करता हूँ कोई आसपास हो सकता है, यहाँ पे मारता हूँ ये सब। और भाई भागते हैं, अब चलते हैं, अब तो कोई नहीं देख पाएगा ऑफ कोर्स, ऑलरेडी यहाँ पे देखते हैं कौन है भाई, कोई है तो नहीं यहाँ पे आसपास। ऊपर 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 दो बंदे हैं और ये उस हैकर की ही बिल्डिंग है, तो ये बंदे पक्का हैकर्स ही होंगे। यहाँ पे कौन है भाई यहाँ पे? ओके वोल्ट है, ओके तीनों बंदे जो सर्वर में यही पे है, कैरर उधर घूम रहे हैं, मैप लियो एंड वोल्ट है यहाँ पे, गॉड डैम। ओके एक काम करता हूँ मैं सीक्रेट इन लोगों की वीसी ज्वाइन करता हूँ, देखता भाई क्या बात चल रही है। ओके गाइस तो ज्वाइन करते हैं इनकी वीसी, ये बैठे हैं वो तीनों, आराम से करते हैं, इनको शक नहीं होना चाहिए। अरे नहीं तो भूल भी गया भाई, मैं सर्वर में यूट्यूब देखते हैं क्या बात करते हैं, अभी तो कोई बात नहीं कर रहे, बस खड़ी हैं। कोई वोल्ट मालूम है क्या तुझे? बॉस ने अपने सारे मेंबर्स के 100 मिलियन डॉलर्स चुराए हैं, ऐसा हुआ है? वही तो, अपन को कब मिलेंगे भाई, अपन को कुछ मिलना भी है उससे नहीं मिलना भाई, पता नहीं, हम लोगों को बस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा है और ये 100 मिलियन डॉलर चुरा रहा है लोगों का, हमको तो पता ही नहीं कुछ भाई, अपन को यहाँ पे खड़ा करके पता नहीं क्या कर रहा है टॉप फ्लोर पे भाई। एक्चुअली में नहीं पता मुझे भाई, अभी हम लोग सर्वर में आए और अभी से हैकर्स का डोमिनेशन चालू हो गया इस सर्वर में। वही ना, ये क्या करना चाह रहे हैं यार, लेकिन जो भी हो रहा है क्रेजी हो रहा है। वही तो, बस अपन को कुछ मिलना भी चाहिए भाई इसके बाद। लेकिन देख अभी तो सर्वर में कोई नहीं है तो हम लोग इसका गार्ड करके क्या ही करेंगे, वो भी है तो ये एरर क्या कर रहा है, एरर चलते फिर, चलो फिर। ए, सब लोग सर्वर से जा चुके हैं, फाइनली जो है थिंक मैं अपना आर्मर वगैरह सब डाल सकता हूँ। भाई साहब इन लोगों ने अभी ये सर्वर ज्वाइन करा भाई, कितने सारे हैकर्स हैं, यहाँ पे गार्ड्स की जरूरत पड़ रही है। ओ माय गॉड भाई, एक काम करता हूँ इस पूरी बिल्डिंग को छानबीन मारता हूँ एंड देखता हूँ भाई हमें क्या कुछ मिल जाए। टॉप फ्लोर की बात चल रही है, टॉप फ्लोर पे हमें जाके देखना पड़ेगा, कुछ तो है भाई टॉप फ्लोर पे। ऑलराइट क्लोज, देखते हैं भाई टॉप फ्लोर पे ऐसा है क्या भाई। ये पहुंच गया आई थिंक हम टॉप फ्लोर पे,
ओ यार ये तो आई थिंक सो क्या पानी की टंकी है ये क्या है ये ओके यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई यहाँ पे तो बस एक रेस्टरूम मैकेनिज्म लगा हुआ है कुछ ये क्या है आई थिंक ये इन लोगों का मैसेजिंग सिस्टम है पक्का मैंने देखे ऐसे सिस्टम से यहाँ पे जो है रेल कार्ड नीचे बिठा के मैसेज भेजे जाते हैं ओके भाई ये हैकर्स कभी भी आ सकते हैं इस सर्वर में और मेरे को जल्दी से लीव करना चाहिए यहाँ से एक काम करता हूँ भागता हूँ भाई अभी तो और भाई साहब ये क्या था ओके बच गया मैं बट स्टिल भागो भागो यहाँ से भागो थोड़ा अभी दूर रहता हूँ यहाँ से तो इन हैकर से तो मैं बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता था एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गया था लेकिन तभी इस एसएमपी के डिस्कॉर्ड सर्वर से मेरे को जो है एक दोस्त दिखता है एंड वो मेरे को कॉन्टैक्ट करता है एंड बुलाता है इस एसएमपी में एंड देखते हैं उसके पास जाके क्या वो भी हैकर निकलता है और हमें मार के बैन कर देगा या फिर एक दोस्त निकलता है जो हमारी हेल्प करेगा। हाँ हेलो डीएक्स कहाँ पे तो मैं यार ये एसएमपी में हूँ मैं तेरे को कुछ बात करनी थी क्या रुक रुक मैंने तेरे से बात करनी इधर आ जरा हाँ आता हूँ अपने कोऑर्डिनेट्स दे मैं आता हूँ ये क्या एक सेकंड तू भी हैकर है क्या? हाँ मैंने रिसेंटली इन हैकर्स का टीम ज्वाइन किया था। अरे भाई साहब एक सेकंड तू क्रिएटिव रिएटिव सब कर सकता है भाई? एग्जैक्टली सब कुछ कर सकता हूँ ये देख। अरे भाई साहब ओके ऐसे पंगा नहीं लूंगा ओके चल यहाँ पे क्यों बुला रहे एक सेकंड बैटर रॉक केस के अंदर क्यों बुलाया भाई क्या हो गया? अरे कुछ नहीं रे ऐसे तेरे साथ बात करना था इसीलिए बुला लिया मैंने। अच्छा यार तू फिर हैकर्स की टीम में तेरे को पता ही होगा भाई तेरे बॉस ने क्या करा अभी मेरे को पंगे में डाल दिया। बल्कि देख मेरे को पता है उसने जो है तेरे 100 मिलियन डॉलर्स चुराए हैं एंड ऑब्वियसली तो उसको पाना चाहता है लेकिन एक याद रखना कि तू अभी हैकर्स के साथ पंगे ले रहा है क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ मैं उसके बारे में तेरे को कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ हैकर्स के बारे में। ठीक है बता। सो देख पॉइंट नंबर 1 हैकर्स सारे एक टाइम पे कभी भी ऑनलाइन नहीं आते तो तेरे को एक सही टाइम ढूंढना पड़ेगा जब सबसे कम हैकर्स हो ऑनलाइन एंड तब तेरे को तेरा काम करना पड़ेगा पैसे वापस लेने का। ओके पॉइंट नंबर 2 तू भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते इधर क्योंकि कोई हैकर है कि नहीं तू पता नहीं कर सकता। देख मैंने तेरे को इधर नहीं बुलाया तेरे को पता नहीं चलता कि मैं हैकर हूँ है कि नहीं? Yes. तो ये बात ध्यान रखना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना एंड नहीं तो भाई तेरी वाट लगने वाली है। ओके ब्रो ओके एंड पॉइंट नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी हैकर को अगर तेरे को मारना है तो तेरे को कोई ट्रैप ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिससे तो उसको इंस्टेंटली खत्म कर सके बिकॉज अगर उसको थोड़ा सा भी बना हो गया कि तू कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो इमीडिएटली बच जाएगा कि तेरे को पता है भाई इधर हम क्या कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा ट्रैप बनाना पड़ेगा जो हैकर्स को उनकी एबिलिटीज यूज करने का टाइम ही ना दे एंड उनको इंस्टेंटली मार दे। एग्जैक्टली एकदम मौका नहीं देना है तेरे को। ओके ब्रो ओके भाई यार ये तो बहुत हार्ड होता जा रहा है यार मैं अपने पैसे कैसे वापस लूं यार मेरे पास तो खुद कोई हैक्स भी नहीं है और मैं आई डोंट थिंक सो ऐसे हैक्स यूज भी कर सकता हूं वरना अपनी बंदों के पास वापस नहीं जा पाऊंगा। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तेरे पैसे जो बॉस के पास है वो या तो किसी आइटम फॉर्म में है या फिर किसी चेक फॉर्म में है जो कि उसने सबसे ज्यादा टॉप फ्लोर में रखा हुआ है। लेकिन याद रखना ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है तो डेफिनेटली तेरे को ऐसे टाइम पे ज्वाइन करना है जहाँ पे बहुत कम हैकर्स ऑनलाइन हो एंड तभी तू जाके कुछ कर सकता है बिकॉज जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है टॉप फ्लोर तक। ओके ब्रो ये आइडेंटिटी नहीं है कि उसकी रिवील को तेरे को नहीं पता कौन है वो? नहीं वही तो प्रॉब्लम है देख उसकी आइडेंटिटी नए मेंबर्स में से किसी को भी नहीं पता है। आई बेयरली डू नॉट नो कि किसी को पता होगा भी कि नहीं। ओके ब्रो ओके चल देखता हूँ मैं कुछ तो करना पड़ेगा इसीलिए ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है किसी पे भी नहीं। देखता हूँ यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं सिर्फ 16 घंटे बचे हैं अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं वैसे भी सर्वर से बैन हो जाऊंगा तो लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा मिली एंड काफी चीजें सीखने को मिली सर्वर के बारे में एंड हैकर्स के बारे में लेकिन स्टिल अगर मेरे पास खुद हैक्स नहीं है तो मैं इन हैकर्स से कैसे लड़ सकता हूँ? तो मैं गया अपने एक ऐसे दोस्त के पास जो मेरे को बता रहा था कि उसके पास कुछ यूजफुल हैक्स हो सकते हैं मेरे लिए जो कि एक्चुअली में हैक्स है भी नहीं। हेलो बल्कि भाई सुनो हाँ भाई बताओ क्या 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 हेल्प करनी थी? ओके बल्कि भाई तो मैं आपको एक चीज डीएम में भेज रहा हूँ जल्दी चेक करो उसको। ओके ब्रो यस डिस्कॉर्ड ओके ये रिसोर्स पैक है तो इसको लगाऊं क्या मैं? लगाओ लगा के तो देखो एक बार। ओके मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूं देखता हूं लगा के। यस दिखाओ भाई लोड हो रहा है देखते हैं क्या है ये। जस्ट सी ब्रो ओ भाई एक्सरे यस ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा रिसोर्सेज गेन करने में। और भाई ये लैग ही है बहुत लेकिन मेरे को सारी की सारी ओर दिख रही है जो नीचे डायमंड आयरन रेडस्टोन कोल भाई सब दिख रहा है यार। इतना ही नहीं पता ये इवन नेदर में भी काम करता है मतलब एंशिएंट डेब्रिस भी मिलेगा तुम्हें। और भाई साहब ये तो कमाल की चीज है भाई युग। यस वेल बल्कि भाई ये रिसोर्स पैक दे तो दिया पर आई गेस इतना इनफ नहीं रह पाएगा उन हैकर्स को बीट करने के लिए कॉज वो ज्यादा ही पावरफुल है और उनके पास बहुत तगड़ा स्टफ है। आई नो यार उनके पास बहुत तगड़े हैक्स हैं कुछ तो करना पड़ेगा यार। यस कुछ और भी आपको सोचना पड़ेगा यार भाई और भी हैक्स चाहिए यार अभी मैं तो यार क्या करूं भाई मैं समझ नहीं आ रहा मेरे
निकालने पड़ेंगे यार, हैक्स तो मेरे पास है नहीं यार, और भी ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। कहाँ से लेके आएंगे, निकालने पड़ेंगे भाई। वही वही तो एक नॉर्मल प्लेयर के पास तो होते नहीं यार। अबे हैक तो तेरे पास एक और है भाई। एक और हैक है, कौन सा? तेरे को पता भी है इसके बारे में। कौन सा भाई, कौन सा बता रहा? अबे X+R दबा जल्दी। X+R क्या है भाई? कीबोर्ड। ओह, फ्री कैम मोड। ओह माय गॉड, फ्री कैम मोड भाई, इसके बारे में कैसे भूल गया था यार। बल्कि मैं तुम्हें पता नहीं था क्या है यार, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है मोड एक। अरे यार सॉरी भाई, ये तो बहुत काम की चीज है भाई। तो फ्री कैम मोड एक ऐसा मोड है जो कि हमें अलाउ करता है हमारे कैमरा को डी अटैच करना हमारे प्लेयर से, लेकिन इसकी एक ही कमी है। तो जब ये मोड एक्टिवेट होता है तो हम पे कोई भी अटैक कर सकता है एंड हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो गाइस हमारे पास ये दो हैक्स तो आ चुके हैं, लेकिन ये भी इनफ नहीं होने वाले, हमें एक बहुत तगड़े प्लान की जरूरत है अगर मेरे को उस पैसे को वापस लेके आना और हैकर्स को बीट करना है सर्वर से। अरे बल्कि मेरे को तेरे को एक और चीज बताना था, लेकिन उसके पहले युग जरा तुम बताने वाला हूँ ना, वो मैं उसके सामने नहीं बता सकता तेरे को। ओके क्या बात है भाई ऐसी? देख ब्रो, तेरे को तो पता ही कि हमारे सर्वर में दो प्लगइन्स है, एक तो ये सर्वर हेड स्टील भी है एंड दूसरा इसमें मनी का भी प्लगइन है। एंड क्योंकि ये दोनों प्लगइन्स इसमें है, यहाँ पे एक्चुअली बग आ चुका है जो की बहुत सारे हैकर्स इसका अब्यूज कर रहे हैं। क्या कौन सा बग है भाई? देख बग ये है, अगर तू किसी प्लेयर को मारता है एंड फिर तेरे को उसका हेड मिलता है, उस हेड में तू अगर अपना खुद का नाम से उसको रीनेम करके पहनेगा ना, तो उसकी आइडेंटिटी चोरी कर सकता है, तो उसका स्किन एंड उसका नेम टैग तेरा हो जाए एंड लिटरली तू पर्सन बन के घूम सकता है। लाइक तूने अगर मेरे को अभी यहाँ पे मार, मेरा हेड मिलेगा तेरे को, उसको रीनेम करा तूने अपने नाम से एंड पहन लिया, तो तू बेसिकली डी एक्सट्रीम बनता घूमता फिरेगा। व्हाट द हेल, एक सेकंड, ये तो हेड स्टील प्लगइन में है ही नहीं। ये नहीं है ना, बट ये बग हो गया है। What the hell भाई, इतना तगड़ा बग, ये नॉर्मल प्लेयर्स को तो नहीं पता नहीं इसके बारे में पक्का? ना अभी तक तो सिर्फ हम हैकर्स को ही मालूम है इसके बारे में। ओह माय गॉड, इतना तगड़ा बग भाई साहब, ओह माय गॉड। तो इस बग ने यहाँ पे एक नई उम्मीद की किरण दिखा दी थी कि हम जो है चाहे तो किसी की आइडेंटिटी चोरी कर सकते हैं। ओ, इसका मतलब ये है कि हम चाहे तो एक हैकर की आइडेंटिटी भी चोरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो समझ ही गया, बल्कि तो किसी भी हैकर का अगर हेड मिल जाता है तो तू लिटरली उसकी आइडेंटिटी चोरी कर सकता है। बट ये चीज इतना इजी नहीं होने वाला, तेरे को पता है भाई हैकर्स बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं, तू अगर उनको सही से नहीं मारेगा तो पता है क्या क्या हो सकता है। एक बहुत तगड़ा प्लान बनाने पड़ेगा एक वीक हैकर को मारने का, एंड जैसे वो मरता है मैं उसकी आइडेंटिटी चोरी करके उस हेडक्वार्टर में घुस सकता हूँ एंड सारे पैसे वापस ले सकता हूँ। ओ भाई ये प्लान है, बस एक हैकर को मारने की जरूरत है भाई, फिर जो है सारे के सारे पैसे मेरे हो जाएंगे एंड मैं बच जाऊंगा सर्वर से बैन होने से। तो डी एक्सट्रीम इसके बाद चला जाता है हैकर्स के बेस में वापस से एंड ढूंढता है एक ऐसे हैकर को जिसको हैक्स अभी यूज करना नहीं आता है एंड या फिर उसके हैक्स काफी वीक हैं सर्वर में। लेकिन DX जो है लौटता है एक गुड और एक बैड न्यूज के साथ। बल्कि हाँ भाई आया है तेरे दिमाग में कुछ? यस, देख अभी बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की है, बहुत तरह तरह की चीजें देख लिया एंड सच बताओ तो ट्रैप करना बहुत ज्यादा हार्ड है, इतना आसानी से हम किसी को ट्रैप नहीं कर सकते। बट देयर इज वन थिंग जो मेरे को मिला है जो को हेल्प कर सकती है। ये क्या है वो? देख इस पर्टिकुलर सर्वर सॉफ्टवेयर पे अगर हम क्रिस्टल भी करें तो इट्स लाइक हार्ड, हम डायरेक्टली उसे मार नहीं सकते, बट रिस्पॉन एंकर्स आर गुड, लाइक दे आर डैम गुड। और बाकी चीजों का तो बता नहीं, बट रिस्पॉन एंकर्स डेफिनेटली वन शॉट कर देते हैं किसी को भी। अरे भाई साहब, ओके दे 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 दे, तो लेकिन दे तो दूंगा, बट इसका एक छोटा सा फ्लॉ है, हम इससे ट्रैप कैसे बनाएंगे वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ प्लेयर से इंटरेक्शन। वही बोलने वाला था, यस प्लेयर से राइट क्लिक करवाना पड़ेगा, इसका तो कोई ट्रैप बन ही नहीं सकता यार। एक चीज एक हो सकता है, एक काम हो सकता है डीएक्स, तो किसी बंदे को ऐसे लेके आ किसी चीज दिखाने के बहाने, किसी चेंबर में उसको डाल एंड मैं तभी जो है राइट क्लिक कर दूंगा दो तीन चीज के ऊपर ताकि वो मर जाए, एंड क्योंकि ये हेड सील है इसके अंदर तो हेड तो मेरे पास ही आएगा डायरेक्ट इन्वेंटरी में। बात सही है, वी कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। हां ये कर सकते हैं, ओके ये करते हैं, करते करते तो मेरे को रिस्पॉन एंकर्स दे मेरे को, दे ग्लोस्टोन, दे ग्लोस्टोन एंकर्स, ग्लोस्टोन्स। हां ओके एक सेकंड ट्राई करता हूं। ब्रो मैं इतनी दूर था, मेरे आधे हार्ट्स गए, प्रोटेक्शन फोर है ना, ये प्रोटेक्शन फोर है सब पे, तब भी आधे हार्ट्स गए इतनी दूर होने के बाद भी। क्लोज होगा तो भाई डेफिनेटली बूम हो जाएगा पूरा। डैम, दो पे अगर मैं साथ में दबाऊंगा तो पक्का टोटम के साथ बंदा भी जाएगा। ओके ये तो कुछ तगड़ा होने वाला है। ओके एक काम कर DX, तेरे पास क्रिएटिव मोड है तो तू एक काम कर, हां तो एक काम कर, बेडरॉक का कोई एक ऐसा फनल बना जिसमें मेरे को बैठने की जगह मिल जाए और मैं साथ में दो तीन ऐसे रिस्पॉन एंकर्स पे क्लिक कर पाऊं और उस बंदे को लूर करके लेके आई फिर उसके अंदर, ठीक है? तो इसके बाद DX जो है अपने
हैक्स का इस्तेमाल करके एक बेडरॉक प्रिजन बना देता है, मेरे लिए एक स्पेशल चेंबर भी बना देता है जहां पे मैं इनविजिबिलिटी पहन के जो है राइट क्लिक करने के लिए रेडी रहूंगा। एंड देन जो है वो एक वीक हैकर को वहां पे लेके आएगा, मैं उसको मारूंगा, उसका हेड ऑब्टेन करूंगा एंड इस बग का इस्तेमाल करके उसकी आइडेंटिटी को चोरी कर लूंगा। इट इज अ फुल प्रूफ प्लान। तो गाइस लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है मेरे को, इधर आ। दिखाओ भाई क्या चल रहा है। ये देख भाई ये क्या है इधर के सर, ये देखो ये देख 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 क्या है ये क्या क्या ओए मर गया। Let's go! Let's go, boy! Let's go! Okay, इसमें है। Okay, मेरे पास हेड आ गया। आ गया, आ गया, आ गया, हेड आ गया। Let's go! Let's go, boy! Let's go, boy! अरे भाई साहब। बूम देख के खाता हूँ भाई, नहीं तो बूम हो जाएगा अभी। भाई, बच गया। Let's go यार। OS का हेड आ गया। And अब भाई, try करते हैं। इसको अपने नाम से replace करके देखता हूँ कि मैं OS बनता हूँ या नहीं। और भाई, करता। Let's go, let's go. Okay, DX, ready है? Let's go, bro. I'm ready. Okay, OS का सर है। यहाँ पे मेरे को अपना नाम लिखना है, right? क्लिक बल्कि स्टार एंड इसको डालता हूँ। Oh, server closed. एक सेकंड, server कैसे? Wait, what? Server कैसे close हो गया? Crash हो गया, bro. Bro, wait, what, 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 what? एक सेकंड. Coincidence तो नहीं हो सकता है। मैंने नाम change करा था, मेरी skin आ गई थी head के ऊपर। ये normal है ना? I think so, normal ही है। Yes, ऐसा ही होना चाहिए था। Okay, okay, okay. मैंने right click करा था तुम्हारे कहने पे, और मैं डालने वाला था उसको सर पे, and तभी जो है वो हो गया। चल देखते एक बार, स्टार्ट हुए तो सर्वर वापस देखते ज्वाइन करके। ओके डी एच, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग। ओके ओ इसकी स्किन है। ओ ब्रो तू आईएस बन गया। व्हाट द हेल, ये कैसे हो गया? मैं एक सेकंड स्किन देखता हूँ। ओ माय गॉड इट वर्क्ड। ओके ओके ओके, मेरे को अपनी केप ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि केप मेरे वाली दिख रही है। एक सेकंड मैं केप ऑफ कर देता हूँ मेरे मोड्स में जाके। ओके चलो केप तो मैं बाद में ऑफ कर दूंगा। एंड एक सेकंड, मेरा नाम भी भाई OSXG दिख रहा है लेकिन सर्वर लिस्ट में। ओ भाई साहब, यस ब्रो, क्योंकि ये हेडसिल सर्वर है तो OS ओरिजिनल वाला सर्वर में आ ही नहीं सकता भाई साहब। अब तू ही बन चुका है OS। ओ भाई, एंड अब मैं उनके ग्रुप में जा सकता हूँ बिना किसी डर के। यार उनको कोई शक ही नहीं होगा। गॉड डैम भाई, OSXG बन गया मैं। अच्छा तू जा तो रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, बहुत ध्यान रखना, तभी तेरे को जाना है जब बहुत कम बंदे जो हो सर्वर में। एंड आई थिंक सो हमारा बॉस जो है ना वो अराउंड रात के 12 से 1 बजे के बीच में ज्यादा एक्टिव देखा है मैंने उसे। एंड उसी अराउंड लाइक बहुत हैकर्स भी काफी कम होते हैं सर्वर में। अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तो टाइम है। एंड या मेरे पास ये 5-6 घंटे ही बचे हैं, मेरे पास एक और लास्ट ट्राई है, वरना मेरे सिटीजन जो है मेरे को कल बैन कर देंगे मार के वैसे भी। ओके, हमने सारा कुछ प्लान कर लिया, एक हैकर को भी मार लिया, उसकी आइडेंटिटी भी चुरा ली। अब बारी आती है उस हेडक्वार्टर्स में जाने की, है हमारे पैसे को वापस लेके आने की। लेट्स गो। ओके मैं म्यूट हूं अभी, एंड देखते हैं एंट्री करते हैं। ओके एरर है। आप ओएस ओएस आ रहा है, सुन रहे हो? ओएस पीसी बुला दो, उसको बुलावा। यप बट आप आएगा वीसी एक्चुअली में काफी ज्यादा रात। अरे वो रात में आता भी नहीं ना, वो नहीं आएगा आई गेस। हाँ, मेरे सामने यार वो सब छोड़ो भाई, ये अब सारे बंदे कहाँ गए भाई? पूरे बिल्डिंग खाली, अपन ही एक्टिव है क्या? बस भाई बताओ, 100 में से 5 बंदे ऑनलाइन है। हालात देख के भाई साहब क्या चल रहा है। मैं म्यूट हूँ अभी। यहाँ पे भी सिर्फ 4-5 हैकर्स ही हैं, और जैसे ही कह रहे हैं कि बहुत सारे हैकर्स होते हैं। बस अभी देखता हूँ, इनका बॉस तो होना चाहिए, तो उसका मेन है, बाकी हैकर्स तो अभी कम है, चांसेस तो हैं। चलते हैं। खैर उस चीज की भी इतना चिंता नहीं है अपन को, वो भी तो है ना, बॉस भी तो है, वो संभाल लेगा चीजें। बॉस अकेला ही बोलता भाई। वही यार, ओ भाई उसने कहा जैसे सही। ओ भाई मैं टॉप फ्लोर पे भी आ गया, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा मेरे को, बट ये कह रहे कि बॉस है ऑनलाइन। व्हाट? ओके ये टॉप फ्लोर पे हूँ मैं। ओ यहाँ पे कोई खड़ा तो है, एक सेकंड, ये कौन खड़ा है? ओके योक, वेट व्हाट? गाइस खेलो स्टार का लिंक मैंने पिंड कमेंट में दे रखा है, तो जाने से पहले उसको चेकआउट करना मत भूलना।